अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 स्टोइकोमेट्री का टॉपिक है। ठीक है, आफ्टर मोलर वॉल्यूम। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये होता है आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की कितनी कितनी अमाउंट या कितनी कितनी परसेंटेज उसके अंदर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे कह सकते हैं, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच, ये आपके पास डेफिनेशन है परसेंटेज कंपोजिशन की। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की जो रिलेटिव अमाउंट होती है उसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं आप, इसके टू स्टेप्स हैं आपके पास। सबसे पहले आप मोलर मास परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करने के पास टू स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करना होता है, अपने जिस कंपाउंड में आपने परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स की फाइंड करनी है, सबसे पहले आप उसका क्या फाइंड करते हैं, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड आप जो है वो फाइंड करते हैं। सेकंड काम क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं आप परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। हर एलिमेंट की आप परसेंटेज फाइंड करते हैं उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं इसको फाइंड करने के लिए, हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं आपस, वो ये होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल होती है आपके पास, मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। वन मोल ऑफ वो जो कंपाउंड आपने लिया है उसके वन मोल के अंदर आपस उस एलिमेंट की कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपको परसेंटेज पता चलेगी किसी भी एलिमेंट की इन अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है, MgO, और आपसे ये कहा जाता है कि आप इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की कंपोजिशन फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम अलग से फाइंड करेंगे और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अलग से फाइंड करेंगे आप। मैग्नीशियम का जो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर परसेंटेज होती है, मैग्नीशियम की अमाउंट जो होती है वो होती है 24 ग्राम्स, ठीक है, जो इसका मोलर मास है मैग्नीशियम का। तो आप क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 40 ग्राम्स। तो आप इसको 24 डिवाइड करेंगे 40 से, मोलर मास ऑफ कंपाउंड से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज क्या आएगी, 60%। ठीक है, फिर इसी तरह से आप इसका फाइंड करेंगे परसेंटेज, 16 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 आपके पास वन मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की अमाउंट 16 होती है, इसका आंसर आएगा आपके पास 40%। ठीक है, तो ये आपके पास 100% और टोटल कंपाउंड में से आपके पास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 60 है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 40 है। ठीक है, जब आपके पास टोटल परसेंटेज आती है दोनों परसेंटेजेस को अगर आप ऐड करें, ठीक है, और आपके पास आंसर 100% आ रहा हो, तो इसका मतलब कि आपने जो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की है वो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है आपके, आपने C6H12O6 यानी ग्लूकोज में आपने परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो आप क्या करेंगे, कार्बन का सबसे पहले आप मोलर मास फाइंड करेंगे इस कंपाउंड का, कार्बन का मास होता है 12, इसको मल्टीप्लाई कर लें विद 6, प्लस आपने हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें विद 12 क्योंकि 12 हाइड्रोजन हैं, प्लस इसी तरह ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, इसको मल्टीप्लाई कर लें विद 6 क्योंकि ये 6 है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल आपके पास आएगा इसका मास वो होगा 180, ठीक है, 180 ग्राम्स मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब जब परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है तो फिर कैसे करेंगे आप, हर एक एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, आपको पता है कि कार्बन इसमें कितना है, देखें कार्बन 12 × 6 आप करेंगे तो आपके पास कार्बन की अमाउंट आ जाएगी, 6 कार्बन एलिमेंट्स हैं, तो एक कार्बन एलिमेंट की अगर मोलर मास 12 होता है तो 12 × 6 तो जितने इसमें हैं वो कितने हैं आपके पास, 12 × 6 कितने हो गए, 72
ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180, ये आपने इस तरह किया है, कार्बन 12 होते हैं ना, एक का 6 कार्बन है तो 12 इंटू 6 इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी 40%। सिमिलरली आपने फाइंड करना है आप मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन की जो मास होता है वो होता है 1, यहाँ पर कितने हैं 12 हाइड्रोजन है इस पूरे कंपाउंड में, 1 मोल ऑफ कंपाउंड में, दिस इज 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय 180, टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड 180 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी विच इज 6.67%, यानी इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन सिर्फ 6.67% है। थर्ड आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास कितना है, वैसे ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 6 इंटू 16 होता है आपके पास 96, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसमें 96 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53.33%, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, इन सब को अगर आप ऐड करें इन सब परसेंटेजेस को तो आपके पास आंसर आता है 100%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इसकी परसेंटेज है वो ठीक निकाली है। आप ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास एक्सरसाइज का, फेडरल बोर्ड की बुक का, ये भी आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।